आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लेग स्टीम रोस्ट। उसके लिए मैंने ये 2 kg चिकन के लेग पीसेस लिए हैं, जिनको मैंने यूं इस तरह से कट लगा लिए। ठीक है जी, कट लगाने के बाद वॉश करना है सबसे पहले, उसके बाद कट लगाने के बाद इसका करेंगे हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में जो हम करेंगे, हम लेंगे एक बर्तन, उसमें हम ऐड करेंगे सारा चिकन। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप सफेद सिरका, व्हाइट विनेगर। ठीक है जी, व्हाइट विनेगर चला जाएगा इसके अंदर 1 कप, और नमक चला जाएगा 2 टेबलस्पून। नमक लगाने के बाद आप इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ देना है आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर के लिए आप इसको इसी तरह से छोड़ेंगे। उसके बाद करेंगे हम इसका स्टेप नंबर 2। हाफ एन आवर के लिए ये चिकन नमक और सिरके के साथ हम इसको इसी तरह से छोड़ेंगे। इसके बाद जाएंगे हम अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। चिकन को हमने रखा था हाफ एन आवर के लिए नमक और सिरका लगाकर, मेरा तो 40 मिनट से ये पड़ा हुआ था, मैंने इसको कर लिया वॉश अच्छी तरह से। अब इसको जा रही हूँ स्टेप नंबर 2 करने। एक ऑयल में डीप फ्राइंग के लिए हमने पैन में जो है वो ऑयल ले लिया है। ठीक है, इसमें डालती जाऊंगी मैं सारा चीज़। ठंडा कर ले, उसके बाद जाएगी स्टीम रोस्ट की जो है वो मैरिनेशन। इसके अंदर मैरिनेशन प्रिपेयर करने का तरीका मैं आपको अभी नोट डाउन करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज को लाइक किया करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। थैंक यू। अच्छा जी, स्टीम रोस्ट के पहले 2 स्टेप्स हो गए पूरे, लाइक वॉशिंग, फ्राइंग। उसके बाद अभी स्टेप नंबर 3 है इसकी मैरिनेशन। मैरिनेशन में हम इसको यूज करेंगे, सबसे पहले है योगर्ट। योगर्ट जो है मैंने इस तरह नेट का कपड़ा लगा के उसको वाटर फ्री कर लिया। ये 3 टेबलस्पून होगा योगर्ट हमारे चिकन के लिए, लाइक 1 kg चिकन के लिए 3 टेबलस्पून आप लार्ज योगर्ट लेंगे। योगर्ट ऐड करने के बाद इसमें मैं डालूंगी 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से जाएगा इसके अंदर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून जीरा, ये चला गया इसके अंदर, कुट्टी भी लाल मिर्च, थोड़ा स्पाइसी बनेगा 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून है लाल मिर्च। ये 1 kg के चिकन का हिसाब है। ठीक है जी, इसमें मैं ऐड कर दूंगी साथ ही साथ थोड़ा सा फूड कलर, येलो कलर का। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा स्टीम रोस्ट को कलर देगा। इसके बाद इसमें जाएंगे 2 लेमन का जूस, उसको अच्छे से स्क्वीज कर देंगे इसके अंदर। सीड्स हटा लीजिएगा। इस सारे को कर लेंगे हम अच्छे तरीके से यू मिक्स। मिक्स करने के बाद जो हमने ऑलरेडी चिकन को फ्राई करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। चिकन ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको ना पूरी तरह से इसके ऊपर कोट कर देंगे और छोड़ देंगे फॉर 1.5 आवर, या इससे भी ज्यादा अगर आप छोड़ना चाहते हैं 1 आवर तो मस्ट है आप इसको छोड़ेंगे इसकी मैरिनेशन को, और उसके बाद हम इसको देंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। हमारा तमाम मसाला जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर कर लिया है कोट। अब मैं जा रही हूँ इसको 1 आवर के लिए रखने। इसके बाद हम करेंगे इसको स्टीम। इसके बाद हम अपना स्टीम पॉट लेंगे, स्टीम पॉट को फिल करेंगे हम पानी के साथ। आपके पास स्टीम पॉट नहीं है तो आप किसी भी देगचे में नीचे पानी रख के ऊपर इस तरह की छन्नी रख के स्टैंड रखने के बाद उसमें भी इसको स्टीम दे सकते हैं। ठीक है जी, मेरे पास स्टीम पॉट है तो मैं इसमें कर रही हूँ। इसमें डालेंगे हम पानी। ठीक है, इसको थोड़ा गर्म होने तक जब तक से। बहुत ज्यादा नहीं भरना वरना आपका चिकन खराब होगा। ठीक है जी, इतना पानी रखिएगा कि जस्ट इसकी अच्छे से स्टीम बन जाए। इसके बाद इस पे रखूंगी ये बर्तन
और फिर डाल रखूंगी इसके ऊपर ये। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी चिकन। चिकन को मैंने कर लिया इसके अंदर अच्छे तरीके से, इस तरह से सेट, इसको कर दूंगी मैं फिर से कवर। और इसको हमने करना है 35 टू 40 मिनट्स के लिए स्टीम। उसके बाद ये परफेक्टली आपका कुक हो जाएगा। ठीक है जी, मैं कर रही हूँ उसको कवर और स्टीम के लिए छोड़ रही हूँ। आफ्टर 45 मिनट्स हमारा स्टीम रोस्ट हो गया है जबरदस्त किस्म का रेडी। मैं जा रही हूँ इसको डिश आउट करने। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी दुआ में भी हमें याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।